यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ कोटा के द्वारा राजस्थान के मूत्र रोग विशेषज्ञों का तीसरा अधिवेशन रॉयल यूरोलॉजी सोसाइटी के तत्वाधान में यूरोलॉजी विषय पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोटा में किया जा रहा है। 14 और 15 सितंबर को झालावाड़ रोड स्थित एक निजी होटल में होने वाली कॉन्फ्रेंस में राजस्थान एवं देश भर से आने वाले यूरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ मरीज के उपचार में आधुनिक तकनीकों की उपयोगिता पर मंथन करेंगे। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन यूरोलॉजी सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ललित शाह के द्वारा किया जाएगा। अध्यक्षता उत्तर भारत की यूरोलॉजी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर पीपी सिंह करेंगे। बीज वाली सब्जियां या हम कोल्ड ड्रिंक्स कहें, चॉकलेट्स कहें, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि पथरी जो बनती है उनमें तत्व जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को सिर्फ यह कह दें, किसी मरीज को, कि बीज वाली सब्जियां बंद कर दें बिना इस जांच किए कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में ये पथरी क्यों बन रही है, तो यह सही नहीं होगा। देखिए, पहले तो पथरी के कारण की अपन बात करें। हम लोग भारत के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे साल में 9 महीने से ज़्यादा 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है और उस समय हमारे शरीर की जो पानी की आवश्यकता है वो कम से कम 3 लीटर से 4 लीटर होती है ताकि हम एक व्यक्ति रोज़ 2 लीटर यूरिन का निर्माण कर सके। तो चूंकि इतना पानी नहीं पीते हैं तो इसलिए हमारे यहाँ पथरी बनने के अवसर अधिक होते हैं।